हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक ऐसी आरसी कार की जो लगभग हर किसी के बजट में होगी, और वो है ये वाली आरसी कार। अगर आप भी चाहे तो आप भी इसे बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से अंडर ₹599। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। अनबॉक्स करने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा है, ऐसे 3+ के लिए है रेसिंग कार, 1:14 स्केल की है। ओके, सुपर रेसिंग कार, लेफ्ट राइट, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो चलिए ये सब छोड़ के करते हैं इसे अनबॉक्स। और यहाँ पे हमने इसके टेप खोल लिए हैं, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी ये छोटी सी क्यूट सी आरसी कार। और सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इसका चार्जर और इसका एंटीना स्टिक, जो इसका जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो रिमोट है उसमें अभी एंटीना नहीं है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों करा है। वेयर है इसका एंटीना, यहाँ पे इसका चार्जर, इसके 3 रिचार्जेबल सेल्स। और ये रही हमारी प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी आरसी कार। और गाइस, ये बहुत क्यूट कार है और छोटी है, पर मुझे तो अभी अभी से ही बहुत क्यूट लग रही है। तो इसे भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पे इसके स्क्रूज खुल गए हैं और यहाँ पे आ जाएगी हमारी कार। और गाइस, सही में ये बहुत क्यूट है, बहुत लाइट वेट है, इसके टायर्स भी बहुत छोटे हैं। और ये इसका सिस्टम बड़ा अच्छा है सेल खोलने का, तो इसे थोड़ा अभी साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा पैकेट। इस पैकेट में हमें 3 चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले ये रहा इसका एंटीना स्टिक, जो इसमें हमें फिट करना पड़ेगा, ये मुझे बिल्कुल नई चीज़ लगी। ये रहा इसका चार्जर छोटा सा, ओके। और ये रहा इसका ये 3 रिचार्जेबल सेल्स। तो रिचार्जेबल सेल्स को हम सबसे पहले खोल लेते हैं। ये खोल गए इसके रिचार्जेबल सेल्स, और इन्हें हम कार में डाल लेंगे। यहाँ पे ये खुल गया और ये गए इसमें इसके रिचार्जेबल सेल्स। और अभी से कर लेंगे हम ऑन। तो अभी ये हो गई है ऑन। और ये रहा इसका रिमोट, इसमें सबसे पहले इसका एंटीना हम फिट कर लेंगे। ओके गाइस, ये मैंने पहली ऐसी कार अनबॉक्स करी है जिसमें उसका जो एंटीना है वो अलग से आया। तो ये रहे इसके, इसमें भी डाल लेते हैं सेल्स। और ये भी आ गए इसमें सेल। और ये रहा इसका चार्ज, और यहाँ पे अब हमारी कार। तो अब अपनी कार को चला के देखते हैं। ओके, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और लेफ्ट राइट भी बहुत अच्छे से टर्न कर रही है। तो मुझे तो ये कार काफ़ी अच्छी लगी। और अब इसका जो चार्जर है उसे भी हम लगा के देख लेते हैं, देखते हैं कि चार्ज कैसे हो रही है। ये रहा इसका पीछे पॉइंट चार्जिंग का, और ये होने लगा है चार्ज। इसमें लाइट जल गई है, जब लाइट बनना जलना बंद हो जाएगी तो ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग से अभी इसे हटाते हैं, क्योंकि अभी तो इसके सेल में चार्जिंग होगी। तो गाइस, मुझे तो ये छोटी सी कार बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छी बात है कि ये सबके बजट में है। और मेरे हिसाब से ये कार मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत क्यूट भी लगी। इसके साइज़ के हिसाब से इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसकी लाइट भी जलती है फ्रंट लाइट, बैक लाइट तो नहीं जलती, बट वो भी बहुत अच्छी बात है। और इसके साइज़ छोटा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छा काम करती है। और अब हम करेंगे इसका ड्राइव टेस्ट। अगर आप भी चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी सबसे यूनिक बात जो मुझे लगी, इसका एंटीना हम रिमूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऐसे स्क्रू, ये रिमूव हो गया। तो चलिए अब करते हैं इसका ड्राइव टेस्ट। तो चलिए चलते हैं।